बेसिक्स तो बहुत है गुरु जी की, बहुत सत्संग है मेरे पास, पर मैंने कभी कहीं शेयर नहीं करा। आज मैं फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ, कोई भूल चुक हो जाए गुरु जी को मान लेता हूँ। लास्ट ईयर मेरा बेटा, उसने इंजीनियरिंग के एग्जाम दिए और उसने बिट्स पिलाने का भी एग्जाम दिया। बहुत लोगों को पता होगा बिट्स पिलाने का, इंजीनियरिंग का टॉप कॉलेज है इंडिया का, प्राइवेट कॉलेज, उसने वो क्लियर कर लिया। तो लास्ट जून में उसके हमने सीट उसको रुकाना था, क्योंकि उसने और भी एंट्रेंस दिए हुए थे गवर्नमेंट कॉलेजेस के भी, तो उसका हम रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। उसके लिए हमें 36,000 डिपॉजिट करवाना था, पर मेरे अंकल का बिल्कुल बिजनेस बैठ चुका है पिछले 6 साल से, तो वो कहीं से पैसे का अरेंज नहीं कर पाए। मंडे रात की बात है, तो मेरा बेटा कहता पापा का लास्ट डेट है, मैंने तो अपना एफर्ट कर दिया, आपका एफर्ट है, आपका एफर्ट नहीं हो पा रहा, तो कल मेरी सीट आपने रुकवानी है, तो कैसे रुकवाओगे? मैं ऐसे ही गुनगुना रही, मैंने कहा मेरे बदल गए हालात गुरु जी, थोड़ा शुक्र करा, मेरी ढल गई काली रात गुरु जी, थोड़ा शुक्र करा। मेरा बेटा कहता कौन सी काली रात ढल गई आपकी, कौन से शुक्राने कर रहे हो? इतने में ना मेरे हस्बैंड कहते बंदना पता नहीं, कह रहे मेरे मोबाइल में कोई मैसेज आया है, कोई ट्रांसफर हुई है, 27 लाख रुपया मेरे हस्बैंड के अकाउंट में आए, कहां से आए हमें नहीं पता। मैंने कहा देख बेटा ये है मेरा शुक्राना, ये है मेरे हालात बदले। नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं देखा, सुबह उठते ही 36,000 वहां से निकाले, वहां डिपॉजिट करवा दिए, उसने सीट को होल्ड किया, कह रहे बाकी मैं बाद में देखूं। तो किसी के थे हमें नहीं पता, किसके ट्रांसफर कैसे आई। तो ये मंडे रात की बात थी, ट्यूसडे हमने उससे पैसे निकाले और वेडनेसडे थर्सडे को हम लोग बड़े मंदिर गए। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मेरे को किसी का पैसा नहीं चाहिए, मेरे को अपना पैसा चाहिए, मेरे बच्चे की एडमिशन आपने करवा ली, पर जिसका पैसा उसको वापस जाए, वो बहुत परेशान होगा। कोई रात को मैं वापस आई हूँ, फ्राइडे सुबह इनके पास फोन आता है मेरे हस्बैंड के पास कि आपके यहाँ तो एक ट्रांजेक्शन हुई है। मेरे हस्बैंड के बिल्कुल हुई है, तो कह रहे जी वो हमारी है। मेरे हस्बैंड कहते आओ आप अपनी ट्रांजेक्शन, मैं आपको आपके अकाउंट में कर दूँ, पर एक शर्त है, वो 27,20,000 थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला आप 1,20,000 रुपये मेरे को दे दो, मेरे को बहुत ज़रूरत है, मैं आपको जब कहोगे वापस कर दूँगा। बिल्कुल ठीक है, गुरु जी की कृपा से उसने 1,20,000 हमें दिया, बाकी मेरे हस्बैंड ने सारा ट्रांसफर कर दिया। वो आज तक हमारे पास वापस नहीं आए, पर गुरु जी की कृपा से जब भी वो आएंगे सबके सब हमने वापस करने हैं। पर गुरु जी ने मेरी कैसे लाज रखी, पल पल शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना।